Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इमल्शन पार्ट 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन एंड डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन इन द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, और ईयर का नाम है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। पहला पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, उसका पहला पॉइंट है एन इमल्शन is said to be stable if it remains as such after its preparation, such that dispersed globules are uniformly dispersed throughout the continuous phase during its storage. तो basically हम सभी को पता है कि emulsion actually एक इनमिसिबल लिक्विड से बनाया जाता है, मतलब ऐसे दो लिक्विड जिनकी आपस में मिसिबिलिटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, पर तभी भी हम उसमें एक तीसरा केमिकल कंपाउंड जिसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं वो ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों लिक्विड एक साथ रहते हैं, मिक्स होकर रहते हैं, पर ऐसे ही वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, इसीलिए उसके स्टेबिलिटी के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली इमल्शन के तीन प्रकार के चेंजेस होते हैं इमल्शन में जब हम उसको स्टोर करते हैं या फिर हम उसको हैंडल करते हैं, जैसे कि क्रैकिंग, क्रीमिंग एंड फेज इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम क्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्रैकिंग means separation of two layers of dispersed and continuous phase due to coalescence of dispersed phase globules which are difficult to redisperse on shaking. To actually cracking hota kya hai, देखो इमल्शन दो इनमिसिबल लिक्विड से बना है, उसमें पहला नाम है डिस्पर्स फेज एंड सेकंड है कंटिन्यूअस फेज। तो एक्चुअली डिस्पर्स फेज स्मॉल ग्लोब्यूल्स में स्प्रेड हो चुके रहते हैं या फिर फैले हुए रहते हैं इन कंटिन्यूअस फेज, पर एक्चुअली क्रैकिंग में होता क्या है, जो भी डिस्पर्स फेज के ग्लोब्यूल्स है वो एक साथ आते हैं, मतलब उनका कोलेसेंस होता है, कोलेसेंस मतलब एक साथ आते हैं, डिस्पर्स फेज एक साथ आते हैं, जिसके वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, और ये दोनों फेजेस है, मतलब डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूस फेज, वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके काफी सारे रीजंस है, तो एक एक करके हम सभी रीजंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप, उसका पहला पॉइंट है सोप ऑफ मोनोवैलेंट मेटल प्रोड्यूसेस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, वेयर एज सोप ऑफ डाइवैलेंट मेटल्स प्रोड्यूसेस वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो बेसिकली हमने फार्मास्यूटिकल इमल्शन पार्ट 1 में यह डिस्कस किया था कि अगर हम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बना रहे हैं तो उसमें हम मोनोवैलेंट सॉल्ट एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट हम ऐड करते हैं, उसके एग्जांपल है सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट एंड अमोनियम सॉल्ट। अगर उसकी जगह हम वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बना रहे हैं तो उसमें हम डाइवैलेंट सॉल्ट एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, उसके एग्जांपल है कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट एंड जिंक सॉल्ट। पर अगर क्रैकिंग में होता क्या है, बाय एडिशन ऑफ मोनोवैलेंट सोप टू डाइवैलेंट सोप इमल्शन और डाइवैलेंट सोप टू मोनोवैलेंट सोप इमल्शन लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ एन इमल्शन। तो बेसिकली एडिशन ऑफ ऑपोजिट इमल्सिफाइंग एजेंट में क्या होता है, मोनोवैलेंट सोप हम वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन में ऐड करते हैं, जिसमें हम डाइवैलेंट सोप को ऐड करना था, और ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में हम डाइवैलेंट सोप ऐड करते हैं, जिसमें हमें मोनोवैलेंट सोप ऐड करना था। मतलब सेकेंड रीजन है बाय डीकंपोजिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट,
when an acid is added to an alkali soap immersion, it leads to decomposition of an emulsifying agent, which leads to cracking of immersion. और ब्रैकेट में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन इमल्शन. तो बेसिकली जब एक बेसिक इमल्शन है, मतलब उसका नेचर बेसिक है और उसमें हम एक्सटर्नली एसिड ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उस इमल्शन में, जिसके वजह से जिसका प्रोडक्ट होगा या फिर एंड प्रोडक्ट होगा सॉल्ट एंड वाटर. तो एक्चुअली सॉल्ट एंड वाटर की प्रोडक्शन के साथ ही साथ इमल्सिफाइंग एजेंट का डीकम्पोजिशन भी हो जाता है, जिसके वजह से वो पूरा का पूरा इमल्शन खराब हो जाता है, वो इनकम्पैटिबिलिटी को लीड करता है या फिर इनकम्पैटिबिलिटी रिजल्ट मतलब आता है. सिमिलरली एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू सोडियम और पोटेशियम सोप इमल्शन, इट लीड्स टू डीकम्पोजिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड क्रैकिंग टेक्स प्लेस. तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जंप करेंगे. जो तीसरे नंबर का रीजन है क्रैकिंग का, एडिशन ऑफ अ कॉमन सॉल्वेंट. व्हेन ए सॉल्वेंट इज एडेड टू एन इमल्शन व्हिच इज आइदर मिसिबल विथ और डिसॉल्व द डिस्पर्स्ड फेज द इमल्सिफाइंग एजेंट एंड कंटिन्यूस फेज, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन क्लियर सॉल्यूशन. दिस लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ एन इमल्शन. एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ एल्कोहल टू टर्पेंटाइन लिनिमेंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लियर सॉल्यूशन, बिकॉज टर्पेंटाइल ऑयल, सॉफ्ट सोप एंड वॉटर आर सोल्यूबल इन एल्कोहल. तो बेसिकली एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट में होता क्या है, इमल्शन एक दो इनमिसिबल लिक्विड को साथ में रखने की एक ऐसा डोसेज फॉर्म है, उसको हम डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसमें हम कोई एक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे. अगर आपको केमिस्ट्री पता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है किसी भी इमल्शन में, सिर्फ हम उसको साथ में रख रहे हैं. पर अगर हम उसमें सॉल्वेंट डाले तो वो डिसॉल्विंग की एक्शन परफॉर्म करेगा, जिसके वजह से क्रैकिंग हो सकती है. और सबसे लास्ट वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफ इमल्शन आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दे में डेवलप बैक्टीरियल एंड माउल्ड ग्रोथ, जो कि आगे जाके प्रिजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है या फिर उसके ऊपर सवाल उठाता है. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, दिस में लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट एंड कॉज क्रैकिंग ऑफ एन इमल्शन. इट इज डिजायरेबल दैट ऑल इमल्शन विच आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम शुड बी प्रिजर्व सुटेबली. एंड लास्ट वाला पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर. व्हेन इमल्शन आर स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर में रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ इमल्शन एंड एनकरेज द क्रैकिंग. व्हेन इमल्शन आर स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग ऑफ इट्स वाटर कंटेंट इन टू आइस एंड सब्सिक्वेंट मेल्टिंग ऑफ आइस एंड शेकिंग में रिफॉर्म द इमल्शन. उसके बाद नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टाइप का चेंजेस है किसी भी इमल्शन में, जो कि एक इनकम्पैटिबिलिटी के तरह देखा जाता है, जिसका नाम है क्रीमिंग. क्रीमिंग में भी डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोबुल्स टू फॉर्म ए थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ द इमल्शन. क्रीमिंग इज द टेम्पररी फेज बिकॉज इट कैन बी रीडिस्पर्स्ड बाय माइल्ड शेकिंग और स्टीयरिंग टू गेट अगेन द होमोजीनियस इमल्शन. क्रीमिंग शुड बी अवॉइडेड as it may lead to cracking with the complete separation of two phases. तो basically creaming होता क्या है, जब कभी हम कोई emulsion बनाते हैं तो एक समय के बाद जो भी dispersed phase है उसी continuous phase के अंदर मौजूद, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है. generally देखा जाए तो अगर उसकी density कम है, उसके particle size कम है, तो वो continuous phase के upper layer में एक जमा हो जाता है, एक थिक लेयर बनाता है, और उसी इनकम्पैटिबिलिटी को हम क्रीमिंग बोलते हैं. पर घबराने की बात नहीं है, ये रिवर्सिबल फेज है, जब हमें उसकी जरूरत पड़े हम उसको शेकिंग से या फिर स्टरिंग से उसे रीडिस्पर्स कर सकते हैं और उसे यूज हम कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट, जो तीसरे नंबर का इनकम्पैटिबिलिटी है जिसका नाम है फेज इन्वर्जन.
फेज इन्वर्जन मीन्स द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्शन इनटू अदर टाइप सच दैट ऑयल इन वाटर इमल्शन चेंजेस टू वाटर इन ऑयल एंड वाइस द वर्सा इट मे ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय चेंजिंग फेज वॉल्यूम रेशियो टेम्परेचर चेंज एंड लास्ट चेंज इन इमल्सिफाइंग एजेंट उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड द फेज इन्वर्जन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज बिटवीन 30-60% स्टोरिंग द इमल्शन इन कूल एरिया और बाय यूजिंग प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट इन एक्विडेट कॉन्सेंट्रेशन तो फेज इन्वर्जन को बचाने से या फिर बचने से हमें कौन से चीजें करने हैं तो सबसे पहला जो भी डिस्पर्स फेज है उसको हम 30-60% उसको ऐड करना है कंटिन्यूस फेज में उसको कूल एरिया में स्टोर करना है उस इमल्शन को और इमल्सिफाइंग एजेंट का भी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन या फिर प्रॉपर अमाउंट रहना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड सस्पेंशन तो इमल्शन का पहला पॉइंट देखेंगे हम दिस आर लिक्विड बायफेजिक प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इनमिसिबल लिक्विड वन ऑफ विच आर डिस्पर्स एज माइन्यूट ग्लोबल्स इनटू अनादर द सस्पेंशन का डेफिनेशन है दिस आर बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड और सेमी सॉलिड वेकल तो इन दोनों के डेफिनेशन में इसका मेजर डिफरेंस है बेसिकली इमल्शन में जो दोनों फेज रहते हैं डिस्पर्स फेज और ऑयली कंटिन्यूस फेज वो दोनों लिक्विड रहते हैं और सस्पेंशन में जो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है जिसको हम डिस्पर्स फेज बोल सकते हैं वो एक्चुअली सॉलिड रहता है और जो कंटिन्यूस फेज है वो उसका भी कोई कंपलसरी नहीं है कि वो लिक्विड होना चाहिए वो एक्चुअली लिक्विड भी हो सकता है या फिर सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं इमल्शन के जो ग्लोबुल साइज है वो होते हैं 0.25 से लेकर 25 माइक्रोमीटर और पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इज 0.5-5 micron उसके बाद नेक्स्ट द इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज टू प्रिपेयर अ स्टेबल इमल्शन और सस्पेंशन को बनाने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं इमल्शन के क्लासिफिकेशन या फिर इमल्शन के टाइप से ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन और सस्पेंशन के टाइप से फ्लॉकोलेटेड एंड नॉन फ्लॉकोलेटेड सस्पेंशन देर आर सेवरल टेस्ट टू कंफर्म द टाइप ऑफ इमल्शन देर इज नो टेस्ट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सस्पेंशन तो बेसिकली इमल्शन को टेस्ट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे टेस्ट रहते हैं केमिकल टेस्ट जैसे कि फ्लोरोसेंट टेस्ट हो गया कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट हो गया पर ऐसे सस्पेंशन में एक भी टेस्ट नहीं है जिसके वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट मे लीड टू क्रैकिंग ऑफ एन इमल्शन जब भी हम इमल्शन को स्टोर करते हैं या फिर हैंडल करते हैं तो उसको बड़ी सावधानी से स्टोर करना चाहिए क्योंकि अगर हम उसे ठीक से स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्रैकिंग का शिकार हो सकते हैं और सस्पेंशन में एग्रीग्रिएशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल हो सकते हैं मतलब अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा अकेडमी को अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो Thank you.